वालेकुम। फर्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं, फरमाइए कौन सा बात कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, हजरत मजनू बोल रहा हूँ। माशाल्लाह। हजरत ये कुल्लाहुम्मा मालिक अल्मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, ये जो दो आयतें हैं इसके अमल, कोई खास अमल आपसे हम चाहते हैं, इजाजत मरहमत फरमाइए फरमाइए। और असल में ये 41 मरतबा मैं क़ियामुल लैल में इसको पढ़ने की आदी हूँ, और अभी कुछ ही दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो मैं दे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के सुना रहा था। ये इस हिसाब से अल्लाह आप आपसे कुछ इजाजत चाहिए, ये अमल और कुछ अच्छे तरीके से हो इसके लिए। जज़ाकअल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हजरत से इसकी तफसील। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजनू इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जी अपनी मोहब्बत का जुनून अता फरमाए और सरकार द्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तिबा नसीब हो, और अल्लाह ताला जाहिरी बातें दौलतों से मालामाल फरमाए। और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इन आयात के हवाले से, और बल्कि आपने जैसे फरमाया क़ियामुल लैल में पढ़ने का, आपका मालूम है कि मामूल है कि आप 41 मरतबा पढ़ते हैं, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपने ख्वाब भी बतला दिया कि जो है वो रोया सालिया के अंदर गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका पढ़ना कबूल हो गया है, और इन आयात की जो भी अनवारात हैं, जो बरकत है, वो आपको इंशाल्लाह नसीब होती रहेंगी। ये बहुत बाबरकत आयात हैं, इज़्ज़त अज़मत और तस्खीर आम के लिए इसमें बड़ी तासीर है, और ये फजर के बाद 41 मरतबा इसका विरद करना बहुत नाफ़े है। आप तो क़ियामुल लैल के अंदर करते हैं, ये तो बहुत ही उम्दा है, लेकिन वैसे फजर के बाद जो 41 मरतबा इन आयात जो है इनका विरद करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़ के और दुआ करें, इससे जो है अल्लाह तबारक व तआला तस्खीर आम अता फरमाते, मकबूलियत आमा नसीब होती है और इज़्ज़त व अज़मत बढ़ती है। जहाँ जाएगा अल्लाह तबारक व तआला नुसरत इंशाल्लाह उसके कदमों में डाल देते हैं। बहुत मुबारक अमल है, इसके ऊपर आप अमल कर लें, और भी नाज़रीन जो करना चाहते हैं वो भी नेक नियति के साथ जो है इस पर अमल करें, इंशाल्लाह नफ़ा होगा। आमीन।